देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। ए बी सी तीन चीज दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है बेटा? वोल्ट मीटर्स हैं। इनके रेजिस्टेंस R1-5R और 3R रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। और कहा गया जब इनके अक्रॉस वोल्टेज करेंगे, अप्लाई करेंगे एक्स और वाई में, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? वी ए बी बी वी सी माना है, उनका आपस में रिलेशनशिप निकालना है। तो आप कुछ मत कीजिए, सर्किट को रेजिस्टेंस में चेंज कर दीजिए। बी सी और बी और सी पैरेलल में है तो ये आपका पैरेलल हो गया बेटा। यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दीजिए, किसने मना किया है? ए की आर है, ये आपका 1.5 R है और ये 3 R है। बस हमने हमेशा सिखाया, शॉर्ट में भी सिखाया कि बेटा दो रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल में है, तो इफेक्टिव निकालना बहुत आसान है। ऊपर गुणा कर लेना और नीचे जोड़ कर देना, एग्जाम में स्पीड और फास्ट रखना, यानी 1.5 R + 3 R / 4.5 R। इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड कर देंगे तो आपको R ही बचेगा। बस सारी चीज आपकी निकल आई, यानी कि आपको एक रेजिस्टेंस ये मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस ये मिल रहा है, पैरेलल में वैसे ही वोल्टेज बराबर होते हैं। अब आप भी लगाएंगे बेटा, सीरीज में है, सेम करंट बहेगी, तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा VA पे, उतना ही वोल्टेज जो है आपका इन दो पॉइंट के बीच में होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो VA है वही VB के बराबर होगा और वही VC के बराबर होगा, यानी कि आप कह सकते हैं थर्ड इज द राइट ऑप्शन। तो जब भी कोई ऐसा रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हो और कोई भी आपके पास एमीटर या वोल्ट मीटर हो, तो फौरन उसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर देखिएगा कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है।